हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू दिस्ट ऑफ एक्टिविटीज पर जो एग्जेपन की लिस्ट पर जिसको परमिट किया जाएगा वो उस एक्टिविटी में डाल दिया कि कलेक्शन हार्वेस्ट करना और प्रोसेस करना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भाई किसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नो एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है लॉकडाउन में वो देखते हैं it expanded the types of plantation that will be permitted to resume activities with half their workforce from april 20 onwards tea coffee and rubber plantations were given exceptions from the lo lockdown now bamboo cocoa ericanet, and spice plantations most of which are clustered in southern states will be added to the list along with their harvesting processing packaging sale and marketing the tea coffee rubber के साथ साथ बैम्बू कोकोआ रिकट और स्पाइसिस को भी ऐड कर दिया गया था है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर क्रूश टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स टू फार्मर्स उनको एग्जेम्प्ट किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे हाउस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उनको अलाउ कर दिया लेकिन मिनिमम स्टाफ के साथ ठीक है होम मिनिस्ट्री ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज़ उन फ्रॉम ट्वेंटी वो क्या इंक्लूड करते हैं जैसे वाटर सप्लाई रिलेटेड पावर ट्रांसमिशन लाइन लगाना टेलीकोम ऑप्टिक फाइबर और लगाना, तो, ये सब है. तो एक जनरल अवेयरनेस के लिए कि क्या क्या एक्सक्लूडेड है लॉकडाउन में नाउ अब हम पढ़ते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है ये एक सबसेट है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो फॉरेस्ट में से निकालते हैं उस प्रोड्यूस का एक सबसेट है पहले What is forest produce? Now under section 2 sub clause 4 of the Indian Forest Act of 1927, the forest produce is defined, defines only forest produce and in this term that is forest produce, these products whether found in or brought from a forest such as timber, trees and leaves, plants not being trees just like grass, creepers, reeds or moss, फिर वाइल्ड एनिमल्स एंड स्किन जो उनके पार्ट्स होते हैं पीट सर्फेस ये सब फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है Now, उसका एक सबसेट है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो द दिड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ फॉरेस्ट ज्वेलर एक्ट इस एक्ट के हिसाब से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड इट इंक्लूड्स बैंबू ब्रशवुड स्टम्प केन्स टसर कोकून, हनी वैक्सेस, लैक तेंदू लीवस मेडिसिनल प्लांट्स हर्ब्स रूट्स ट्यूबर एंड सो ऑन तो ये सब भी आता है तो डेफिनेशन जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उसमें बैम्बू भी आता है ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि आता है कि नहीं केन भी आता है इम्पोर्टेंट है तो और ये सब बैम्बू और केन को डाला गया था चेंज करके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन को चेंज करके ठीक है कौन सा एक्ट एक्ट डिफाइन करता है शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एक्ट 2006 जस्ट रिमेंबर दिस ना तो इसको एग्जे लिस्ट में डाल दिया गया ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिफाइंड है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ताकि फेयर और रेम्यूट रेट ऑफ प्राइस मिले माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स को ये बेसिकली जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स होते हैं ना ये बेसिकली ट्राइबल्स होते हैं तो ताकि उनको जो भी उनका काम है उसके लिए उनको करेक्ट अमाउंट मिले एमएसपी लगा रखा एमएसपी मतलब कि एक मिनिमम प्राइस तो मिलना ही मिलना है चाहे जितनी भी उपज हो ठीक है द एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम वॉज फर्स्ट लॉन्च इन टू थाउजेंड थर्टीन बट दिवियर गैप्स इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन लेट टू द प्रोग्राम रिमेनिंग गवर्नमेंट 2013 में लॉन्च कर दिया गया था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काफी प्रॉब्लम्स आई तो वो गोर्मेंट हो गया टू रिवाइटलाइज द द प्रोग्राम गाइडलाइंस हैड बीन इशूड इन 2019 गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको दोबारा सही से शुरू किया जाए ठीक है तो अब ये जो मूव रिसेंट है मिनिस्ट्री का है, किस कॉन्टेक्स्ट में नॉट दिस कम्स एज अ रिलीफ टू करोर्स ऑफ ट्राइबल्स डिपेंडेंट ऑन गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है

तो कई रीजन में हार्वेस्टिंग का टाइम है ये और पोलिस रोक रही थी तो इसलिए उनको एग्जेप्ट कर दिया गया ताकि वो काम कर सके और कई ट्राइबल सिर्फ इस पर डिपेंडेंट होते हैं उनकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट होती है इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है नाउ हु आर ट्राइबल्स ट्राइबल्स आर नोन टू बी ऑटोकथोनस पीपल ऑफ द लैंड उनको और क्या कहते हैं आदिवासी कहते हैं वनवासी पहाड़ी आदिम जाति अनुसूचित जनजाति एक्सेट्रा इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है दुनिया में सबसे पहला का है अफ्रीका में ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लेते थे ताकि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है ट्राइबल पॉपुलेशन की उसको बेटर कर सके और उनमें से एक इनिशिएटिव है ट्राइफेड बनाना ट्राइफेड इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कब बनाया था 1987 में ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें ट्राइफेड जरूर मेंशन करना है नो no. अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है ये मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट सेट करती है जिस पे फार्मर्स को अपना जो प्रोड्यूस है सेल करना है मिनिमम उस प्राइस पे जब मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे चला जाता है प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ को इस प्राइस पे ही आ, खरीदना होता है और सपोर्ट करना होता है कौन अनाउंस करता है ये क्वेश्चन पहले प्रिलिम्स में पूछा जा चुका है तो कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये अनाउंस करती है एमएसपी कई सारे क्रॉप्स के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सोइंग सीजन और ये किसके रिकमेंडेशन पे करती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड प्राइसेज दैट इज सी ए सी पी और जो सी एस पी होता है वो डिमांड और सप्लाई देखता है कितना प्रोडक्शन का क्या कॉस्ट हुआ प्राइस ट्रेंड क्या है और ये सब कंसिडरेशन में लेके वो एमएसपी फिक्स फिक्स करती है तो पहला कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये अनाउंस करता है एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसके रेकमेंडेशन पे सी एस पी पे ये पहले पूछा जा चुका है फिर पूछा जा सकता है नौ अब ट्राईफेड ट्राईफेड इज द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 1987 बना था ऑपरेशनल हुआ 1988 से बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोवाइड गुड प्राइस ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय द द ट्राइब्स ट्राइब्स ऑफ कंट्री तो जो भी जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर रहे हैं उनको सही प्राइस मिले नेशनल लेवल के एपेक्स अप, अप, ऑर्गेनाइजेशन है विच इज फंक्शनिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ठीक है इसके क्या है ये लार्जली नहीं आएगा जस्ट कीप एन आइडिया नॉट टू प्रोवाइड फेयर प्राइस टू द मा आइना फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच इज कलेक्टेड बाई द ट्राइबल्स सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग होनी चाहिए ट्राइब्स को ट्राइबल्स को सेव करेंटेशन से क्योंकि उनको कई सारे बिजनेस मीडिएटर्स एक्सप्लॉयट कर सकते हैं तो उनको सेव किया जाए ठीक है उनको कॉम्पनसेशन मिलाए मिले अगर प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रही है ठीक है ट्राइब की ट्राइब्स की जो परचेज है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे हुए प्राइमरी प्रोसेसिंग हो उनकी स्टोरेज हो पाए ट्रांसपोर्टेशन ये सब छोटी छोटी दिक्कत है जो ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है छोटी छोटी चीजें वो सब एड्रेस करे देन जो फेयर प्राइस है मार्केट का उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्राइबल्स को ठीक है बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ाता है ताकि उनको नॉलेज रहे और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है तो बेसिकली जो ट्राइबल्स का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो ट्राइफल देखता है So, this was all about this topic. We have discussed about MSP, about tribals, trifid, and so on. So, this is all about this topic. Now, we'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.